सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमें जीवन में भले ही हार का सामना करना पड़ जाए पर जीवन से कभी नहीं हारना चाहिए। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, उससे नहीं जो आप कल करेंगे। असंभव समझे जाने वाला कार्य संभव करके दिखाइए, उसे ही प्रतिभा कहती है। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी और की बुराई का वक्त ही ना मिले। आज का पंचांग 28 जुलाई 2024 दिन रविवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि, शाम 7:27 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र सुबह 7:45 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:28 से 7:06 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 12:06 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 28 जुलाई 2024 दिन रविवार, आप सच्चे और ईमानदार लोगों से मिलना पसंद करते हैं लेकिन आज आपकी मुलाकात उनसे होगी जो मुखौटे लगाए रखते हैं। उन्हें पहचानने की कोशिश करें, आपसे जल्दी फैसले लेना समय की मांग रहेगी। किसी भी फैसले को अंतिम रूप देने से पहले अच्छी तरह सोच लें और फैसले लेने तक कोई भी अन्य काम ना करें। व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गतिविधियों के बीच सामंजस्य बनाने में ही दिन व्यतीत हो जाएगा और आपको उचित परिणाम भी मिलेंगे। कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ में मुलाकात का अवसर मिलेगा। आपको अपने व्यक्तित्व को निखारने संबंधित नई जानकारियां भी मिलेगी। तय किए गए टारगेट का दोबारा अवलोकन करते हुए योजना में बदलाव करने की जरूरत है। अनेक बातें सरल तरीके से हल होगी। आपको केवल डिसिप्लिन बनाए रखना होगा। अच्छे से संबंधित समस्या सेहत से संबंधित समस्या दूर होगी। पैसों से जुड़े निर्णय परिवार के साथ मिलकर ले। अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े ट्रेनिंग प्राप्त करना आपके लिए आसान होगा। यदि ट्रेनिंग विदेश से प्राप्त हो रही है तो इसे स्वीकार जरूर करें। रिलेशनशिप के बारे में हुई चिंता को दूर करने के लिए पार्टनर से मदद और सुझाव दोनों प्राप्त होंगे। बिना बात परेशान रह सकते हैं। अज्ञात चिंताएं भी रह सकती है। लाभ का लालच देकर उलझाया जा सकता है आपको। सतर्क रहें, दोपहर में आय अच्छी रहेगी। कार्य समय पर होंगे और सहयोग की प्राप्ति भी होगी। शाम को सहयोग की अपेक्षा बेकार जाएगी, व्यय बढ़ेगा और विरोधी हावी होने का प्रयास करेंगे। सावधानियां, कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। पारिवारिक तथा खुद से जुड़े फैसले स्वयं ही लें। दुष्टों के हस्तक्षेप की वजह से आपकी घर की व्यवस्था में कुछ तनाव आ सकता है। अनावश्यक बढ़ते खर्चों पर काबू रखने की जरूरत है। आय की स्थिति सामान्य ही रहेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। भाग्य लक्ष्मी और पोषण से संबंधित ग्रह आज आपकी राशि में चमक रहे हैं। अपने प्यार को एक आरामदायक अनुभव से रूबरू कराइए। अपने प्यार को महसूस कराइए कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति आपके प्यार के जीवन की रक्षा करेगा। ये समय प्रेम में डूबने का समय है। आज आपको अपने साथी के साथ कुछ निजी और अंतरंग समय भी मिल सकता है। बात करते हैं करियर की। ये समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्यों के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले कर्म के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रिम स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आ जा सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगी, जो कि आपके लिए लाभदायक होगा। बिजनेस में सभी फैसले खुद ले तो अच्छा है, क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके कर्मचारियों के बीच फूट डाल सकता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में फायदेमंद ग्रह स्थिति बनी हुई है। ऑफिस में किसी तरह की राजनीति चल सकती है। बात करते हैं सेहत की। वर्तमान मौसम में खान पान के प्रति विशेष रूप से सजग रहें, वरना गैस और एसिडिटी की समस्या बहुत अधिक परेशान करेगी।
स्वास्थ्य संबंधित छोटी तकलीफ हो सकती है। आपको हल्की सी ठंड या सिर दर्द महसूस हो सकता है, हालांकि यह अधिक देर तक नहीं रहेगा, लेकिन आपको इससे कमजोरी से महसूस हो सकती है। इसीलिए आज बहुत सारे काम करने की योजना ना बनाइए, खूब आराम करें और शांति से रहें, इससे आप जल्द ही बिल्कुल ठीक महसूस करेंगे। आज का उपाय, आज अब सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाएं और लाल फूल भी चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।